नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। पिता ने चना नहीं भूना तो मार डाला, बेटे ने सिर पर कुल्हाड़ी से किए कई वार, बुजुर्ग ने मौके पर तोड़ा दम। सूरजपुर जिले के सिटी कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला ग्राम पंचायत गेतरा का है, जहां पंडो बस्ती में रहने वाले 70 वर्षीय रामदेव पर शनिवार रात उसके बेटे ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत बरन सिंह शनिवार रात को अपने घर पहुंचा। यहां उसने अपने पिता को चना भूनने के लिए कहा, मना करने पर रसोई घर की चाबी मांगी कि वो खुद से खाना बनाकर खाएगा। इस पर पिता ने ये कहकर उसे टाल दिया कि तुम खुद से खाना नहीं बना पाओगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने लगे। इसके बाद गुस्साए बेटे ने आव देखा ना ताव, वहां रखी कुल्हाड़ी से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने पिता के सिर पर भी कुल्हाड़ी मार दी, जिससे बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के वक्त दोनों बाप बेटे अकेले थे, बाकी के घर वाले किसी आयोजन में गए हुए थे। इधर शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो रामदेव को लहूलुहान पड़ा हुआ पाया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने पुलिस को तुरंत हत्या की सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो लोगों ने आरोपी को उनके हवाले कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवा दिया गया है। परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी बरन सिंह के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।